शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष गुंजायमान होता रहा। सुबह से लेकर देर शाम घरों के साथ पांडालों में धूमधाम के साथ गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना की गई। श्री सिद्धि विनायक मंदिर में भी दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी। सुबह से प्रतिमा की बिक्री, दुकानों पर मूर्ति खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। घरों के लिए जहाँ पालकों के साथ प्रतिमा पसंद करने बच्चे भी पहुँचे, तो वहीं पांडालों में प्रतिमाएं विराजित करने आयोजन समिति सदस्य ढोल ताशे के साथ नाचते गाते प्रतिमाएं ले गए। दिन भर चल समारोह के रूप में प्रतिमाएं ले जाई गई। इस बार प्रतिमाओं को भी आकर्षक रूप देने के लिए मूर्तिकारों ने खाटू श्याम जी अयोध्या श्री राम मंदिर के रूप में सजाया गया था। अनाज मंडी में दुकान लगा रहे संतोष पटवा ने बताया, त्योहार पर बारिश का असर साफ रहा। छोटी मूर्तियों की मांग ज्यादा रही, जबकि 3 से लेकर 5 फीट की प्रतिमाओं में पूछ परख कम रही। हालात यह रहे कि कम दाम में बिक्री के बाद भी ग्राहकों ने रुचि नहीं दिखाई। पिछली बार की तुलना में इस बार इसके मूल्य में 20% इजाफा हुआ है, क्योंकि कच्चे माल के दाम बढ़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। तो पानी के कारण भयंकर रूप से पिछड़ गया है, लेकिन वर्तमान समय में घरेलू मूर्ति की मांग चल रही है। बाकी जो झांकी स्थल होने हैं वो पूर्णतः नहीं के बराबर चल रही है। बड़ी मूर्तियाँ, हाँ, बड़ी मूर्ति नहीं बिक पा रही है। कारण ये बारिश के कारण कई रास्ते बंद हो गए, नदी नालों के चक्कर में बाहर से आने वाला व्यक्ति आ नहीं पा रहा है, जिसके कारण इस मूर्ति व्यापार के ऊपर कई प्रकार का दबाव पड़ा है। भाव भी बढ़े हैं क्या? मूर्तियों के दाम आगे से बढ़े, लेकिन जो खरीदी करी है उस मूर्ति की लागत से कम भाव में बेचने को तैयार है, लेकिन ग्राहक को लेने के लिए इच्छुक नहीं। ये समझो 50 रुपए से लेके 7,000 तक की मूर्ति आई है, 5.5 फीट तक की मूर्ति। इस बार कैसा रहा? बहुत भयंकर कमजोर स्थिति में रही। संतोष कुमार पटवा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।